कराची के बॉयज की यारियां तो बड़ी मशहूर है, मुझे हैरत होती है कि आपका कोई दोस्त नहीं। दोस्त थे बल्कि हैं, लेकिन बहुत उनमें से बाहर चले गए और मैंने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लिया। खैर ऑफिस तो मैं काफी अच्छे से आ जा रहा था, लेकिन पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ये सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर लाद दी गई। आपकी वजह से बड़े अबू और चाचाजान को बहुत आराम मिला हो। बहुत मेहनत की उन दोनों भाइयों ने, मोहब्बत भी बहुत है उन दोनों में आपस में। अम्मी जान जोड़ के रखती हैं। बी जान एक मरहम का काम करती है सीरियसली। मैं कभी टेंस्ट होती हूँ या कभी मैं ऐसे मायूस होती हूँ, उदास होती हूँ, तो वो इतना अच्छा समझाती है कि मेरी सारी मायूसी खत्म कर देती हैं दो सेकंड में। अल्लाह ताला उनको आप सबकी खुशियां देखना नसीब करे। मैं सुना है कि सिमरीन को भी कोई पसंद आ गया। अभी मैं मिला तो नहीं उससे, लेकिन पता यही चला है कि ठीक आदमी है। लड़के का बैकग्राउंड मालूम करना बहुत जरूरी होता है। सही कह रही हैं। जमशेद के मामले में गलती हो गई है हमसे, लेकिन शमो की भी इज्जत थी, क्या कर सकते थे। लव मैरिजेस कम ही चलती हैं, है ना? जल्दी जल्दी में आप शादी तो कर लेते हैं, लेकिन वही घिसी पिटी लाइफ जिसका कोई फ्यूचर नहीं होता। आपसे टिप्स लूंगा मैं शादी से पहले, लेकिन समरीन की शादी का एक फायदा होगा कि दफ्तर में सुकून हो जाएगा। हर आए दिन उसका किसी न किसी से कोई फड्डा लड़ाई हो रही होती है, अगर मैं ना हूं तो पता नहीं क्या हो जाए उस ऑफिस में। चलें, आप एज ए कजन उसको सपोर्ट बहुत करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। आप आई मीन या शी इज टैलेंटेड, लेकिन बस हर वक्त दिमाग में नेगेटिविटी भरी रहती है। लेकिन एक बात बताऊं, आप नॉर्मली इतना बोलती नहीं है ना, इतनी बात नहीं करती। अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। वो क्या कहते हैं, तो बातें तो बहुत हैं करने को, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं होता। I'm a good listener. फिर तो जब भी मैंने कोई बातें करनी होंगी तो मैं आपको यहाँ पर ले आऊंगा। ठीक है। अरे बॉस आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बॉस? मैं सेट, तुम बताओ। बस बॉस, काम कैसा चल रहा है? आपके माल से चार पैसे मिल जाते हैं, और वो भी आपने आजकल रोक रखा हो। बॉर्डर पर फटीके बहुत बढ़ गए हैं कदीर, पहले डायरेक्ट जुगाड़ हो जाती थी, माल भी निकल आता था और यहाँ पे कागजात भी बन जाते थे, लेकिन अब हर कोई डरता है। बॉस आप भी ऐसी बात करोगे? ऐसी ही बात है कदीर, अब बॉर्डर पार वाले भी बहुत सियाने हो गए, डबल प्राइस मांगते हैं। तो फिर एक चक्कर लगा लें फिर चमन का। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, चलते हैं एक डेढ़ हफ्ते में। वैसे आजकल हैवी बाइक्स का सीन बहुत टाइट हुआ है, अगर तुम कहते हो तो तीन चार उठा लेते हैं। पेपर्स का क्या सीन? पेपर्स बिल्कुल ओरिजिनल जैसे, इंजन नंबर, चेसिस नंबर सब ओरिजिनल, कोई माई का लाल नहीं पकड़ सकता। इसमें बहुत फायदा है कदीर,
एक बाइक पे 8-10 पेटी बन जाता है। हाँ तो फिर आप डन करें, मैं भाई से बात करता हूँ। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता लग जाता है कि अभी मैं तुम्हें याद कर रहा था? क्योंकि मैंने आपके पीछे जासूस लगा रखे। Really? मिस्टर शामीर, आज आपने मिलने का प्लान बनाया था? हाँ बिल्कुल, हम मिल रहे हैं आज, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। एक्चुअली मैं अभी पोर्ट पर आया हूँ, हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। अच्छा फिर आज का रहने देते हैं, कल मिलते हैं। चलो ठीक है, कल मिल लेते हैं। कल तो तुम्हारी शूट भी है ना? हाँ तो स्टूडियो आ जाना, वहीं से कुछ प्लान कर लेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके टेक केयर, बाय। मेरी पेमेंट रेडी है? रेडी है बस। ठीक है फिर मिलता है। ये जगह, ये शहर मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए महफूज नहीं। किसी भी वक्त जावेद यहाँ आ सकता है, उसका दिल पत्थर है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच सकता है। मुझे यहाँ से कहीं और ही चले जाना चाहिए, किसी दूसरे शहर, कहीं भी, बस जहाँ मेरी बच्ची महफूज हो। लेकिन क्या है मेरी खुद गर्जी नहीं कि जिनकी वजह से आज मैं और मेरी बच्ची जिंदगी में खुश है, उनको छोड़कर मैं चली जाऊं? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर जावेद को बेनकाब करूंगी मैं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े।